Hello everyone, welcome to your YouTube channel, Asaka's Educations. This is Vandana Sarkar and I'm back with a new lecture and I'm continuing with this uh, chapter which I was Transport and Communication, Indian Book and economy. इस जो बुक्स है आज मैं इसका लेक्चर थ्री देने वाली हूँ आज जो टॉपिक मैं इस चैप्टर से पढ़ाऊंगी दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन इसके जो अलावा दो ट्रांसपोर्टेशन थे मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी है दैट इज uh, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉज दैट टू वीडियोज फर्स्ट देन आइए तो एक सीरीज वाइज लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगी आई होप वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे तो चलिए आज एयर ट्रांसपोर्टेशन की जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं तो दिस इज फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वी नो कहीं जगह पे लाइक like, रेलवे uh, मैंने बताया था लॉन्ग रूट के लिए चीपेस्ट वे है लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन वही जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है लेकिन इट इज वन ऑफ द लाइक बहुत लाइक हाई कॉस्टिंग है इट इज वेरी कॉस्टली यार ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1911 से एयर मेल ऑपरेशन जो एक लिटिल डिस्टेंस में स्टार्ट किया गया ओनली टेन टेन किलोमीटर बिटवीन अलाहाबाद एंड नैनी एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस नाउ ओनली दैट वन ट्वेंटी फाइव एयरपोर्ट्स इन इंडिया तब से आज तक बहुत चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी जानेंगे एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया दो ऑपरेशन करते थे

लेकिन इंटरनेशनल सर्विस भी तब टाइम लाइक Uh, in the field of flight industry it country of world through the uh, all its services in 2010 domestic movement involved 520.21 lakh passengers according to 2010 uh, move and 23 lakh metric tons of cargo goods or any commodities pawan hans another kind of service another kind of industry like uh, flight एक uh, एक वन काइंड ऑफ लाइक कंपनी जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेशली इन हिली और वाइडली यूज बाई नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहां पवनंस मेनली प्रोवाइड होता है हेलीकॉप्टर सर्विस देते हैं पेट्रोलियम सेक्टर और हिली एरियाज में फॉर टूरिस्ट घूमने के लिए यह है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइन जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नाइन इलेवन में स्टार्ट हुआ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च बिटवीन कहां पे इलेवन एंड नाइनटी देन नाइनटीन फोर्टी सेवन आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर कंपनीज आए इंडियन नेशनल एयरवेज टाटा सन्स लिमिट्स एयर सर्वेज ऑफ इंडिया एंड टेक एयरवेज देन फिफ्टी वन और भी ज्यादा कंपनीज ज्वाइन हुए इन फ्लाइट इंडस्ट्री में दैट इज भारत एयरवेज हिमालयन एवियेशन लिमिटेड एयरवेज इंडिया एंड कलिंगल एयरलाइंस

जो इस एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं एंड मेक द एक्सपोर्ट मोर कंपिटेटिव और इजी द गवर्नमेंट हेड इंट्रोड्यूस द ओपन स्काई पॉलिसी फॉर कार्गो कार्गो मतलब भारी गुड्स और एनी काइंड ऑफ कमोडिटीज इन अप्रैल 1992 अंडर दिस पॉलिसी फॉरेन एयरलाइंस और एसोसिएशन ऑफ द एक्सपोर्टर्स कैन ब्रिंग एनी फाइटर्स टू द कंट्री मतलब किसी भी कंट्री के कोई भी चीजें जाना आना हो सकते हैं ओके ओपन स्काई पॉलिसी में यह दिया गया ताकि लाइक uh, like, सिर्फ एक्सपोर्टर्स uh, के नहीं इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप्ड हुए क्स्ट एक कम्युनिकेशन है इज लैंड ट्रांसपोर्टेशन में दैट इज ऑइल एंड गैस पाइप लाइन दैट इज पाइप लाइन कहां है ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलीवर द डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस एरिया में यह पाइपलाइन पहुंचा सकते हैं एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस इवन सॉलिड कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड पाइपलाइन आफ्टर कन्वर्टिंग इन इजिंग मतलब थोड़ा थोड़ा लाइक मरीज ऐसा ऑयल इंडिया लिमिटेड Oil under administrative setup by the Ministry of Petroleum and Natural Gas engaged in exploration. The oil is involved in the exploration, production and transportation of crude oil, Jessica Petroleum and Natural Gas. It was incorporated in 1959 as a company.

इस प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 666 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन कहां तक कहां तक बनाया नुमालीगढ़ टू शिलिगुड़ी ओके okay? देन ये तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट था पूरा नाउ जो चैप्टर के अलग एक पोर्शन है दैट इज एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन नेटवर्क उसके बारे में भी जानेंगे कम्युनिकेशन बेसिकली अ लाइक इट इज मूवमेंट ऑफ नॉट ओनली मूवमेंट इट इज तो इंफॉर्मेशन के लेन देन इट इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज और इंफॉर्मेशन ह्यूमन इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर टाइम लाइक पिछले टाइम में आ, पीजियन से आ, किसी पक्षी से इधर से उधर किसी एनिमल के साथ इधर से उधर कम्युनिकेट किया जाता लेकिन ओवर द टाइम ये बहुत ज्यादा चेंजेस हुए इसके बहुत डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी आए तो साइंस टेक्नोलॉजी चेंजेस करने में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसमें बहुत

दिस सेमस दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉस कम्युनिकेशन नाउ पर्सनलिकेट किया जा सकता है डेवलपमेंट की वजह से रूरल एरियाज में भी आ, ये इंटरनेट डेफिनेटली पहुंच गया है एंड उसका यूज भी हो रहा है इट एनेबल्स टू यूजर्स टू यूज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू ईमेल एंड गेट एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली थ्रू द इंटरनेट मैं कहीं भी सिर्फ मतलब इंसान uh, किसी भी जगह से दुनिया का कहीं भी जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कोई भी जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो डेफिनेटली इंटरनेट से गैदर कर सकते हैं इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर ई कॉमर्स एंड कैरिंग फॉर द मनी ट्रांजैक्शन सिर्फ ओनली नॉट इ कॉमर्स एंड मनी ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो जाता है लाइक ये अब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए मास कम्युनिकेटिंग सिस्टम में पहले आते हैं रेडियो रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ नाइनटीन में क्योंकि रेडियो सबसे पुराना मास कम्युनिकेशन है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो क्लब जो है बॉम्बे में पहले स्टार्ट किया गया है सिंस इट इज तब के टाइम में लाइक like, uh, जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रेडियो का बहुत बड़ा लाइक like, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है इससे uh, बहुत जगह पे लाइक like, अच्छा अच्छा uh, uh, एक uh, इंडिया में एक uh, अच्छा uh, सोच विचार uh, फैलाने के लिए ये यूज uh, हुआ था इट इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम सोशियो कल्चरल Well, मतलब पीपल के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए गवर्नमेंट टूक दिस अपॉर्चुनिटी टू पॉपुलर कम्युनिकेशन अंडर कंट्रोल लाइक 1930 में ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर करने लगे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इट ऑल्सो एज अ चेंड एज अ ऑल इंडिया रेडियो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से इसको चेंज किया गया ऑल इंडिया रेडियो में थर्टी देन इन आकाशवाणी इन 1957 फिफ्टी सेवन ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अर वेराइटी ऑफ प्रोग्राम जैसे इन्फॉर्मेशन कोई भी हो गया एडुकेशन एंड एंटरटेमेंट बहुत सारी चीजें

In 1976, TV was delinked from the All India Radio. All India Radio से separate किया गया and got a separate identity as Turdashan सबसे पुराना जो channel है. After INSAT IY, INSAT IY is one of the satellite become operational. Common National Program (CNP) was started for the entire network and its services were extended to the backward remote rural areas. जब TV एकदम rural areas तक पहुँच गया तब CNP द्वारा बहुत सारे networks पहुँचा पहुँचाया गया and अच्छे-अच्छे programs लाए गए.

ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू सुपरविलस ऑफ बॉर्डर एरियाज डेफिनेटली बॉर्डर एरियाज में नजरदारी करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इमेजेस यूज होते हैं On the basis of configuration and purpose, the satellite systems are grouped into below two. One is Indian National Satellite System, another one is Indian Remote Sensing Satellite System. The INSAT which was established in 1983, the multi-purpose satellite for telecommunication, meteorological services and for other data and programs. INSAT established established definitely for the telecommunication and meteorological. Meteorological means to monitor the calamity weather forecast the ओके एंड देन द आईआरएस जो सैटेलाइट है इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट सिस्टम है वो ऑपरेशनल किया गया लॉन्चिंग किया गया आईआरएस आईए के थ्रू इन 1988 फ्रॉम वैकनूर इन रशिया इट हैज इवॉल्व हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल वेरी इंपॉर्टेंट पोलर सटेलाइट लॉन्च वहीकल द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएस इन हायदराबाद प्रोवाइड लाइक फेसिलिटीजेशन ऑफ डेटा एंड सेक्ट करते हैं इट इज वेरी यूजफुल इन मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस डेफिनेटली बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स लाइक ढूंढने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिमोट सेंसिंग जी आई एस एंड दिसक सैटेलाइट कम्युनिकेशन ओके आई होप ये चैप्टर लाइक like, ये जो टॉपिक्स है ये भी आप लोगों को लाइक like, ईजिली समझ में आ गए होंगे सो so, uh, मैंने ये पूरा चैप्टर आप लोगों को लाइक सीरीज वाइज लेक्चर जो है देने की कोशिश किया है एंड ईजिली बहुत शॉर्ट uh, में समझाने की कोशिश किया है क्योंकि जितना शॉर्ट में आप लोग समझेंगे उतना बेटर होगा uh, सिर्फ शॉर्ट में बेटर होगा इसीलिए ताकि आप लोग टू द पॉइंट याद रखें और एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर लिखें ECD. so if you like the video please sh uh, share with your friends and like and comment and please wait for the next video thanks for watching